ब्यावर शहर के विभिन्न समाज संगठन पदाधिकारियों ने शहर में बढ़ते अपराध और पुलिस पर सुस्त कार्यप्रणाली का आरोप लगाते हुए रैली के रूप में नगर परिषद पहुंचकर सीएस को ज्ञापन सौंपा। रामस्नेही संप्रदाय, प्रांतीय राजपूत महासभा, गौ सेवा संस्थान, जन अधिकार मंच, खंडेलवाल वैश्य संस्थान, श्रीमद भागवत प्रभात फेरी सहित अन्य संगठनों के पदाधिकारियों और सदस्यों ने शहर के सिटी थाने के बाहर एकत्रित होकर पुलिस की कार्यशैली का विरोध जताते हुए पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान विभिन्न सामाजिक संगठन हाथों में पुलिस प्रशासन के खिलाफ स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर रैली के रूप में नगर परिषद पहुंचे, जहां पर उन्होंने पुलिस की कार्यशैली के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध जताते हुए सीएस से मिलने की मांग की। इस पर डिप्टी कुंदन कवरिया और सीआई संजय शर्मा ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन अभिषेक सिंह कार्यकर्ताओं के साथ ही अंदर जाने की जिद पर अड़े रहे। आक्रोशित कार्यकर्ताओं को पुलिस ने समझाइश कर कुछ देर बाद शांत किया। कार्यकर्ता इस दौरान हाथों में पुलिस सुस्त, अपराधी भयमुक्त, हमलावरों को गिरफ्तार करो, टालमटोली नहीं चलेगी, भ्रष्ट प्रशासन, अपराध बेखौफ जैसी तख्तियां लेकर अपना आक्रोश जता रहे थे। सभागार में कार्यक्रम के समापन के बाद सीएस नाराज हुए लोगों से मिले और उनकी समस्या सुनकर उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। कानून व्यवस्था जो है उसका ध्यान रखें। पूर्व में युवा मोर्चा के एक अध्यक्ष को 10 चाकू मारे गए बीजेपी के, तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग रहे वहां पे। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए कानून व्यवस्था को लेकर, ब्यावर के आसपास का एरिया, ब्यावर में रोज आए दिन चोरी चकारी और आसपास जितनी गैंग बनी हुई है, इस पे कोई पुलिस की ठोस कार्रवाई नहीं है। अगर इस तरीके का डर होता पुलिस प्रशासन का, तो मैं नहीं समझता हूं कि कोई भी अपराधी इस तरीके से भयमुक्त होकर अपराध कर सकता है। ये उसके संदर्भ में ज्ञापन था जो निरंजन जी ने कहा है, बहुत जल्दी इस पर कार्रवाई होगी। मैं इसका संज्ञान लूंगा और प्रशासन के साथ बैठक करूंगा, देखते हैं कितने दिन में अपराधी गिरफ्तार हो पाते हैं। लेकिन 15 दिन निकल गए, दुख होता है कि हमारे शहर में इस तरह की घटनाएं होगी। धन्यवाद। मैं रात को 10 बजे होटल से, मैं मेरी वाइफ घर जा रहे थे, घर के अंदर घुसते ही हमलावरों ने हमला किया। 4 व्यक्ति थे, 19:11 की बात है, रात को 10 बजे। उसके बाद हम अजमेर रेफर कर दिया है, हमारे को कर दिया था। पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, पुलिस वाले लगे हुए हैं लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। और ये मैं चाहता हूं कि इसका जल्द से जल्द कार्रवाई सुनी हो और उन वारदात वालों को पकड़ा जाए, क्योंकि ये सब व्यापारी को मुद्दा है। ब्यावर शहर का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम टैलेंट पॉइंट, जहां आप पाएंगे सूट कोट शेरवानी की आकर्षक वैरायटी मात्र 2200 रुपए में, फुल सूट कपड़े व सिलाई सहित। साथ ही पाइए आकर्षक उपहार, टाई पिन, रुमाल, मोजे, हैंगर व सूट कवर। किराए की छोड़िए, घर ही की ले जाइए मात्र 2500 रुपए में। डिजाइनर शेरवानी, रेमंड, ओसियन, सियाराम, रीड एंड टेलर, न्यूमैन ब्रांड की इम्पोर्टेड वैरायटी वाजिब दाम में उपलब्ध। अजमेर के कुशल कारीगरों द्वारा वाजिब दाम में पैंट शर्ट कुर्ता पजामा सूट व शेरवानी की सिलाई भी की जाती है। तो पता नोट कीजिए, टेलर पॉइंट, दुकान नंबर 22, शांति टावर, चांगेट, ब्यावर। संबंधित फर्म जोधपुर टेलर्स, रामगंज, अजमेर। मोबाइल नंबर 9602062799 9252239208। त्योहारों की सौगात राजेंद्र ऑटोमोबाइल के साथ। जी हाँ, राजेंद्र ऑटोमोबाइल लाए हैं टूबलर की दुनिया में बेहतरीन दोपहिया वाहन, जिसमें होंडा एक्टिवा 6G, जी हाँ, फुल मेटल बॉडी, इलेक्ट्रिक स्टार्ट के साथ और 6 साल की वारंटी के साथ। 6G एक्टिवा, जिसमें आकर्षक नए रंगों के साथ 6G एक्टिवा की विशाल रेंज। इसी के साथ मोटरसाइकिल में होंडा की नई गाड़ियों में BS6 सीरीज में होंडा शाइन के बेहतरीन नए रंगों में आकर्षक गाड़ियाँ, होंडा CD110 के साथ और भी नए मॉडल के साथ। तो आज ही अपनी गाड़ी बुक कराएं, होंडा के प्रत्येक वाहन की खरीद पर आकर्षक गिफ्ट हैम्पर और साथ ही होंडा के सभी दुपहिया वाहनों की सर्विस का एकमात्र स्थान राजेंद्र होंडा, जहां कंपनी के प्रशिक्षित मैकेनिकों द्वारा आपके वाहन की देखरेख की जाते हैं। भरोसा 25 वर्षों का आपकी सेवा में, होंडा के एकमात्र अधिकृत डीलर राजेंद्र ऑटोमोबाइल। तो पता नोट करें, राजेंद्र होंडा IOC कॉलोनी के सामने, जोधपुर रोड, ब्यावर। मोबाइल नंबर 8955707220 9587785663।